बस स्टैंड पर पड़ी गंदगी जहां दुकानदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जिम्मेदारी की नजरअंदाजी की वजह से गांव के बस स्टैंड की दशा में सुधार नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा फजीहत बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को होती है। उन्हें बरामदे और यात्री प्रतीक्षालय में बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। वहीं ग्राम सिंगोट के बस स्टैंड परिसर और आसपास के दुकानदार काफी परेशान है। यहां के दुकानदारों का कहना है कि यहां महीनों सफाई नहीं होती है। हालात इतने खराब हैं कि यहां बैठना भी मुश्किल होता है। वहीं बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय में पसरी गंदगी स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली की सच्चाई भी उजागर कर रही है। बस स्टैंड के प्रतीक्षालय के आसपास जब सफाई का मुआयना किया गया तो चारों तरफ गंदगी का अंबार फैला हुआ आता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ केंद्र सरकार लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छता के ऊपर कुर्बान कर रही है, क्या इनकी कीमत की कोई कदर नहीं है? खंडवा से ब्यूरो चीफ सादिक खान की रिपोर्ट।